नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चेतना शियाल और स्वागत है आपका मेरी मेडिसिन नॉलेज चैनल में। सब्सक्राइब करें अपनी मेडिसिन नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अपनी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोमिस्ट्रोप टेबलेट के बारे में। वोमिस्ट्रोप टेबलेट में डोमपेरिडोन 10 mg कंपोजिशन पाया जाता है। यह टेबलेट का यूज़ हमारे शरीर में नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी और मिचली आना, इंडाइजेशन यानी कि खाने का पाचन न होना, ब्लोटिंग यानी कि डकार और पेट का भरा हुआ लगना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में यह टेबलेट यूज होती है। यह टेबलेट खाने के आधे या एक घंटे पहले पेशेंट को डॉक्टर के अनुसार पेशेंट की कंडीशन और एज देख के दिया जाता है। यह टेबलेट आपको तब तक बंद नहीं करना है जब तक आपको डॉक्टर बंद करने का न बोले। अगर आप और भी कोई मेडिसिन ले रहे हो जो यह टेबलेट को इफेक्ट कर सकती है तो डॉक्टर को जरूर बताइए। और यह टेबलेट लेने के बाद में कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द होना, मुंह सूख जाना, पेट दर्द, डायरिया यानी कि दस्त हो सकता है। और इसमें से कोई साइड इफेक्ट आपको दिखे तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और यह मेडिसिन लेने के बाद में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। यह मेडिसिन लेने से पहले अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और पेट में ब्लीडिंग अल्सर से पीड़ित है तो यह टेबलेट अवॉइड करना चाहिए। और डोमपेरिडोन कंटेंट वाली दवा आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी, जैसे कि वोमविन 10 mg, डोमस्टाल 10 mg जैसी अलग अलग ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगी। और यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको यह मेडिसिन का यूज़ करना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में।